नमो नमः मित्राणी, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं संस्कृत भाषाया शिक्षण के अंतर्गत सीटेट 2019 की परीक्षा में संभावित आने वाले पद्यखंड पर आधारित जो है प्रश्नों पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। मित्रों, आपको बता दूं 15 नंबर का भाषा शिक्षण और 15 नंबर का गद्यखंड और पद्यखंड होता है, इसलिए आपको पद्यखंड और गद्यखंड भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पद्यखंड और गद्यखंड का पूरा अर्थ आपको आता है या नहीं आता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका अभ्यास बना हुआ है पद्यखंड और गद्यखंड को करने का तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या मित्रों नहीं होगी। तो आज हम लोग जो है एक प्राकृतिक दृश्य से संबंधित और प्रकृति से संबंधित वस्तुओं का दिग्दर्शन करते हुए हम सभी पद्यखंड को साल्व करेंगे। अधोलिखितान पद्यांशान पठित्वा प्रश्नात् उत्तराणि देयानि, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ करके उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मित्रों, हमारा जो पद्यांश दिया है पहले हम उसका वाचन कर रहे हैं। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्भागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वहिनः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भासितं सज्जनानां, सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते शुष्कैर्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति, कन्दैर्फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कालं, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। मित्रों देखिए, इस श्लोक का मतलब है कि उदयति यदि भानु, उदयति यदि भानु, यदि भानु उदयति पश्चिम दिग भागे, यदि पश्चिम दिशा में सूर्य उदित होने लगे, यदि, जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह सत्य है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन यदि भानु पश्चिमे दिग्भागे उदयति, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदित होने लगे, और मेरु यदि मेरु शीतताम याति वहनी प्रचलत, और यदि सुमेरु पर्वत से निकलने वाली हवा वहनी अगर अग्नि पैदा करने लगे, विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, और यदि पद्म माने कमल, कमल यदि पर्वतों के अग्रभाग की शिला पर जन्म लेने लगे, जबकि कमल कहाँ खिलता है, वह सरोवर में खिलता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, यदि पर्वत के अग्रभाग पर जो शिला है, शिला में अगर जो है पद्म जन्म लेने लगे, न भवति पुनरुक्तं भासितं सज्जनानां, तो सज्जनों के सुंदर वचन का फिर क्या होगा। न भवति पुनरुक्तं, पुनः उक्तं न भवत, सज्जनानां सज्जनों के जो है सुंदर उक्तियों का फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। कंदैर फलैर मुनिवरा, अब देखिए दूसरे श्लोक का अर्थ, सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, सर्पा पिबन्ति पवनम, सर्प जो है पवन पी करके रहते हैं, ना च दुर्बलास्ते, लेकिन वह दुर्बल नहीं होते हैं। मित्रों, शुष्कै तृणैः वनगजा बलिनो भवन्तः, शुष्कैः तृणैः, शुष्कैः माने सूखे, तृणैः माने घासों को, सूखे घास फूस के पत्तों को वन में खा करके रहने वाले गजाह बलिनो भवन्ति, हाथी लोग फिर भी मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं। कंदैः फलैः मुनिवराः, और मुनियों के द्वारा कंदमूल आदि फलों को खा करके गमयन्ति कालम, समय व्यतीत किया जाता है, तो लेकिन फिर भी संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही पुरुषस्य, पुरुष का सबसे प्रमुख धन होता है,
तो मित्रों यहां संतोष की महिमा का वर्णन किया गया है और यहां पर प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि यदि सही कार्य के बजाय अगर गलत होने लगे तो फिर कौन ऐसा होगा जो सज्जनों के सुंदर वचनों पर विश्वास करेगा। तो मित्रों पहला हमारा प्रश्न है कि यदि भानु उदयति, यदि सूर्य उदय होता है। अब इस पद्यखंड के आधार पर आपको प्रश्न देखना है, आप अपने विचार में ये मत रखिएगा कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, इससे मतलब नहीं है। केवल आपको देखना है कि हमारे पद्यखंड के पंक्तियों में उत्तर कहां मिल रहा है और वह उत्तर क्या कह रहा है। तो यदि भानु, भानु शब्द देखिए, यदि भानु यहां पर आया है, यदि भानु पश्चिमे दिग्भागे उदयति, तो यदि भानु उदयति ये तीनों वाक्य आपका दिया गया है, तीनों शब्द दिए गए हैं, लेकिन इसमें पश्चिमे दिग्भागे नहीं दिया गया है। इसलिए मित्रों इसका समीचीनम उत्तरम पश्चिम दिग्भागे भवति, इसका समीचीन उत्तर क्या होगा, ना तो प्रातः होगा, ना मध्याह्न होगा, ना रात्र होगा, बल्कि पश्चिम दिशा में, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होने लगे या उदय हो। दूसरा प्रश्न है मित्रों, शीतताम कायातु, शीतलता किसके द्वारा आती है। शीतताम तो शीतलता तो जो है हवा से आती है, लेकिन इस पद्यांश के अनुसार शीतताम याति वहनी, शीतता जो है कायातु क्या ले आती है, तो शीतताम याति वहिना, वहिना माने अग्नि। यदि जो है वायु जो है शीतलता के बजाय अग्नि देने लगे तो मित्रों इसका उत्तर क्या होगा, वहिना। केशाम भाषितम पुनरुक्तम न भवतु, किसका विचार बोलना, किसकी सुंदर वाणी पुनः उपयुक्त नहीं होती है, यानी किसका वचन पुनः उपयुक्त नहीं होता है। यदि ये सभी स्थितियां प्रतिकूल हो जाएं तो फिर सज्जनों के सुंदर उक्तियों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो केशाम भाषितम सज्जनानाम भाषितम न भवति, सज्जनानाम भाषितम न भवति, न भवति यहां पर दिया है, न भवति पुनरुक्तम भी दिया गया है। मित्रों आपको हमने बताया है पहले भी और बार बार आपको बता रहा हूं, कोई भी अगर गद्यखंड और पद्यखंड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो अनिवार्यतः आप देखिए कि जो प्रश्न पूछा गया है उसमें जो शब्द हैं वो हमारे गद्यांश और पद्यांश की किन पंक्तियों में मिल रहा है। मित्रों जिस पंक्ति में वो शब्द मिलते हैं समझ लीजिए कि उसी पंक्ति में उसका उत्तर विद्यमान है, केवल आपको उसी पंक्ति पर ध्यान देना है, चाहे आपको अर्थ आता हो और चाहे आपको अर्थ न आता हो। अगर अर्थ आता है तो सोने में सुहागा है, आप उसका और सरलतम ढंग से कर लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं आता है अर्थ तो केवल आप उन शब्दों को मिला करके अपने उत्तर को आप सही करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए मित्रों अब हमारा चौथा प्रश्न है, बनगजाह कई बलिनः भवन्ति, बनैले हाथी किसके द्वारा बलवान होते हैं। तो इसमें आया है शुष्कैः तृणैर्बनगजाः बनगजा बलिनो भवन्ति, शुष्कैः तृणैः, तो इसमें मित्र आया है ये शुष्कैः तृणैः, धनैः धन के द्वारा हाथी के बलवान होने से इसका कोई संबंध नहीं है, शाकैः शाक के द्वारा इसका भी कोई संबंध नहीं है, मांसाहारेण इससे भी नहीं, बल्कि शुष्कैः तृणैः। इस श्लोक के आधार पर इसका उत्तर क्या होगा, शुष्कैः तृणैः। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों, निधानम कह भवति, निधानम कह भवते संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही पुरुषों का सबसे प्रधान धन है। तो निधानम कह भवते, निधानम कह
संतोषः। तो इसका उत्तर होगा मित्रों संतोषः। निधानम कह भवति निधानम संतोषः भवति, निधान संतोष होता है। सबसे बड़ा धन कौन होता है? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी, गोधन बज गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान कबीरा, सब धन धोले समान। तो मित्रों आपको बता दूं, जब हमारे पास संतोष आ जाता है तो सारा धन धूल के समान हो जाता है। इसलिए मित्रों इसका समीचीन उत्तर क्या है? संतोषः। अगला प्रश्न है मित्रों, पर्वताग्रे शब्द में संधि है। पर्वताग्रे शब्द, पर्वताग्रे का संधि ही अस्ति, पर्वताग्रे का संधि अस्ति, पर्वताग्रे का संबंध संधि अस्ति। तो पर्वत में कौन सी, पर्वताग्रे में कौन सी संधि है? तो मित्रों देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूं, पर्वताग्रे पर्वत धन अग्रे। अब मित्रों पर्वत में ता में अ आया है और अग्रे में भी आपका अ आया है, ये अ और अ मिल करके दोनों क्या हैं? ये सवर्णी हैं, सवर्णी हैं। अतः यहां पर अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र के द्वारा अकह सवर्णे चिपरे पूर्व परयोरेको दीर्घादेशः स्यात्। अकह सवर्णे अचिपरे पूर्व परयोः, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। तो मित्रों अ और अ मिल करके क्या हो गया? आ हो गया। इसलिए यहां पर हमारी कौन संधि है? दीर्घा, दीर्घ संधि है। जब समान वर्ण परस्पर मिलते हैं, समान वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उसमें हमेशा दीर्घ संधि होती है। अकह सवर्णे दीर्घः, अक प्रत्याहार के बाद में अगर समान वर्ण आते हैं तो वहां पर दीर्घः दीर्घ आदेश हो जाता है, हमेशा दीर्घ संधि होती है। तो मित्रों इसमें अगर माना जाए तो कौन संधि है हमारी? दीर्घ संधि। ये मित्रों आपका आज पद्यखंड से संबंधित, ये बहुत पद्यखंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देखिए हमेशा प्रश्नों को देते रहते हैं, कराते रहते हैं पद्यखंड गद्यखंड से संबंधित। तो हम लोगों को एक आइडिया रहती है कि कौन ऐसे गद्यखंड पद्यखंड हैं जो संभावित रूप से परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप चंद्रा कोचिंग संस्थान में अगर आए हैं तो आप विश्वास रखें, इसको आप विधिवत स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका वीडियो भी हम जारी कर रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से इनको समझ करके करिए। आज बस केवल मित्रों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और कमेंट में अगर कोई त्रुटियां रहती हैं तो आप हमारे प्रेरणा के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए उसमें अगर अच्छाइयां हैं तो उसको भी आप प्रस्तुत करें, बुराइयां हैं तो उसको भी लिख करके भेजें। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद।